हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एक HVAC है। आज मेंटेनेंस चल रहा है हमारा इधर, तो चलिए हम आए कुछ माल लेके। ये देख रहा हूँ इसका पूरा आज को नीचे धोना पड़ता है कंडेंसर को। कंडेंसर में चल जाता है तो वो जब चलता है तो सही जगह से कूलिंग नहीं आती। इसका पीछे हिस्सा है जी, अभी ये सब छोटा है, उतना ही नहीं ये छोटा है, तो ये कंडेंसर को पूरा अच्छे तरह से क्लीन करना पड़ता है। इसका गर्मी सही से निकले। मेरे पास मेसिंग से करता हूँ लेकिन मेसिंग अभी है ही नहीं, देन वो पेसर वाला तो वो जगह में कम कर रहा था, तो यहाँ पे 4 AC था तो इसलिए आया। देखिए इसको मैं पानी से मेरे से तब तक क्लीन करना होगा जब तक आपका ये नीचे हिस्से में पानी एकदम परिष्कार क्लियर नहीं आएगा। थोड़ा प्रेशर से पानी मरना पड़ेगा क्योंकि ये तकरीबन आपका 10 सेंटी का होता है ये। और इसका तो ये आपका हो गया आउटसाइड, ये हो गया। देखिए यहाँ पे इवेपोरेटर है, कूलिंग कॉइल इसका अंदर है, ये देखो खोल रहा है ये। यहाँ पे आपको इन्वर्टर मिलता है इसी के साथ, अभी आपको ये मिल जाएगा। देखिए इसके अंदर फिल्टर है, 4 फिल्टर रहता है और इवेपोरेटर को भी आकृति में यहाँ पे बना कर रखा है, भी में बना कर रखता है। ऊपर नीचे दो दो ऊपर का 4 फिल्टर रहता है। चलिए दिखाता हूँ अभी। देखिए इस थोड़ा ताकत लगा कर उठाना पड़ता है ये दरवाज़ा को हटाने के लिए, ये हट गया। 1 मिनट, ये देखिए ये 2 स्टेज कंप्रेसर है इसका, ये एक साइड ऊपर का 2 स्टेज कंप्रेसर का ये एक है। फिल्टर निकालो, ये देखिए फिल्टर निकल रहा है। ये इतना कुछ नहीं है, नया है, उस दिन धो के रखा था, फिर फिल्टर भी मैंने नया चेंज किया। इसमें 2 इवेपोरेटर है, 2 कंप्रेसर का, ये एक नीचे है, ये ऊपर है और एक है नीचे है। देखिए पूरा फिल्टर है, रुक जाओ इसमें। देखिए ये फिल्टर निकल गया, आपको दिखाई दे रहा है ये भी आकृति का है, ये एक 2 स्टेज कंप्रेसर का, ये एक इवेपोरेटर है, एक कवर्टर, ये कूलिंग कॉइल दोनों है, दोनों का 2 स्टेज का। तो दे उतना कुछ गुब्बार नहीं है इसको, बस हमको क्या करना है धोना है अच्छे तरीके से। इसको भी धोना है हमको पानी मार के, ये भी धोना है पानी मार के। और ये आप लोगों को दिखाई देगा हवा, इस सेक्शन है, ये सेक्शन लाइन में रहता है इन लोगों का, क्योंकि हवा यहाँ से आके इस तरह होके कूलिंग कॉइल होके यहाँ से चला जाता है, यहाँ से निकल के हवा इस साइड के वहाँ पे ब्लोअर है, ब्लोअर से दूसरा वाला पाइप से खींच देता है। ये फिल्टर को पूरा क्लीन करता है। वो देखा जा रहा है अभी ये इवेपोरेटर धोने लगा। इवेपोरेटर को आपको अच्छा तरीके से धोना है, इसमें कभी भी इसमें फाकी मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई धूल मिट्टी जो भी रहेगा आपका कूलिंग में फर्क रहेगा। देखिए इसको एनी टाइम, इसका फिल्टर जो पड़ा है फिल्टर को अच्छा तरीके से धोना होगा, और फिल्टर को आपको एनी टाइम चेक करना होगा। फिल्टर मान लो आप धो दिया तो आपको इसी हाथ से पकड़ के तरह आपको देखना होगा फिल्टर में उस साइड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए मैं फिल्टर कैमरा में है तो पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है, एकदम नया मैं चेंज किया,
वाटर को भी अच्छा तरह से धोना पड़ेगा। जितना अच्छा तरह से धोऊंगा उस उतना ही कूलिंग आपका परफेक्ट नीचे मिलेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, बाकी और कुछ जानकारी लीजिए कमेंट करिए। हम और दूसरा कोई चीज़ के लिए आप लोगों का कोई मुश्किल है, अगर नया नया आदमी आते हैं तो हम उनको कमेंट में ज़रूर करिए, मैं उसका वीडियो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की।